नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ ब्रेड से बने बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे 5 ब्रेड के स्लाइस लिया है। ब्रेड आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सी के जार में हम डालेंगे 4 लहसुन की कलियाँ, साथ ही हम डालेंगे एक छोटे से टुकड़े अदरक के। तो मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1/2 इंच है अदरक। और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को स्लाइस में काट के। डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच दही और अच्छे से हम पीस लेंगे मसाले को। अब हम ब्रेड के स्लाइस को काट लेंगे। तो इस तरीके से हम बीज में से कट लगाएंगे और इसे हम फिर से इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ब्रेड आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिए, तो इसी तरीके से बाकी ब्रेड भी मैं काट लूँगी। तो ब्रेड को मैंने काट लिया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम पैन में ले लेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप घी की जगह यहाँ पर तेल में भी फ्राई कर सकते हो। घी जैसे ही गर्म हो जाए हम डाल देंगे ब्रेड के स्लाइस और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, जब तक ब्रेड का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे तवे में भी ब्रेड को रख के फ्राई कर सकते हो, हल्का सेक लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ, बस हल्का कलर चेंज करना है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तब तक। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से देख रहे हो या कौन से शहर से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 2 मिनट बाद जैसी ब्रेड का कलर चेंज हो जाए हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। पैन में हम ले लेंगे 3 चम्मच तेल और तेल को पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसी गरम हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। बस 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे हम, बस हल्का सॉफ्ट हो जाए प्याज। साथ ही हम डालेंगे थोड़े से करी पत्ते। फ्रेंड्स, आज की नाश्ते की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगता है। देखिए, प्याज को इससे ज़्यादा ना हम फ्राई नहीं करेंगे, बस 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने मसाले को पीस के रखे थे। थोड़ा सा मैं जार में पानी डाल के डाल दूंगी मसाले में और मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम में। नमक आप पहले की जगह इस टाइम डाल सकते हो, नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप नमक डाल दीजिएगा। 4 से 5 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए और आप देख सकते हो मसाले पूरी तरीके से हमारा भून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम डाल देंगे यहाँ पे फ्राई किए हुए ब्रेड। ब्रेड डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मसाले के साथ हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये नाश्ता आपको देखने में अभी से जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। बस एक बार बनाइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, जब आप ये नाश्ता खाएंगे ना तभी बनाइएगा, ये सॉफ्ट हो जाने के बाद खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है ब्रेड में, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और नाश्ते को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज के नाश्ते की रेसिपी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे थोड़ा सा भी रेसिपी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।